साथ संवारते हैं, वो दो बार तीन बार 2016 से 20 तक तीन बार नेगेटिव रहा है, नेगेटिव माइनस 1.2, 1.4 और 0.7, सिर्फ 17-18 में एक दयनीय पॉजिटिव फिगर था 1.7 इत्यादि इत्यादि। लेकिन इनको आप अगर सीधा जोड़े आत्महत्याओं के प्रकाशित फिगर से, तो क्या है इस देश में इतने बड़े बड़े भाषण देना, इतने विदेश यात्राएं करना, इतने जुमले कसना, इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, और आप इसको नहीं रोक सकते? ये मैं सीधा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री से करता हूं। दूसरा पहलू है इसका कि, और वो भी सब संबंधित है, जैसा मैंने कहा एक त्रिकोण है जिसके संबंधित पहलू हैं, जो कई सारे जुमले कसे गए मेक इन इंडिया के औद्योगिक प्रोडक्शन के, उनमें एक महत्वपूर्ण एक अंग था सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर इस सरकार माननीय प्रधानमंत्री का एक बहुत आकर्षक एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, वर्ग है। उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई और भी दयनीय है, और वो भी सीधा संबंध रखती है कि क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं। फोटोवोल्टेइक सेल, इसको पीवी सेल कहते हैं सोलर में, जो सोलर का हृदय है, आपके अंगों में वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और मॉड्यूल जो होता है पीवी सेल का, उसका 85% सामान, 85% सामान चीन, मलेशिया और वियतनाम से आता है। ये सच्चाई आपको बता रहा हूं मैं मेक इन इंडिया की। आप मेक इन इंडिया क्या करते हैं, एक ऊपर का ढांचा बना देते होंगे शायद, अंदर का हृदय, अंदर के अंग 85% चीन, मलेशिया और वियतनाम से आते हैं। इनके जो आंकड़े हैं वो भयानक हैं। 2014 के बाद पीवी सेल और मॉड्यूल का आयात का मूल्य 90,000 करोड़ तक बढ़ गया है। 90,000 करोड़ इज द इंपोर्ट बिल। ये फिगर 90,000 करोड़ जो डायरेक्ट एफडीआई होता है हमारे देश में, उससे ज्यादा है। कई और सेक्टर्स का आयात का जो राशि है, लिमिट है, सीमा है, उससे कहीं ज्यादा है। और अगर आप 14 से 19 रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के लिए जो बजट राशि है उसको पूरा जोड़ लें 5 वर्षों के लिए, ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है सोलर, तो उससे 6 गुना ज्यादा है ये 90,000 करोड़। क्या है ये? ये आयात बिल है। आयात किसका है? 85% चीन का सामान है, मलेशिया का सामान है, वियतनाम का सामान है, जिसको आप मेक इन इंडिया सोलर, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे उसके नाम से लेते हैं। और दोस्तों, इन तीनों चीजों का हल ये सरकार क्या निकाल रही है, उसका मैं आपको संकेत देना चाहता हूं। अब हमारे पास इसके ऊपर प्रमाणित तथ्य नहीं है, लेकिन हम डरे हैं इस सरकार के पुरानी इतिहास से। जब ऐसे तकलीफ वाले आंकड़े आते हैं तो ये सरकार अलग अलग तौर तरीकों से लुके छिपे नए नए षड्यंत्र रचती है। आज एक प्रकाशित हुई है आजकल में एक रिपोर्ट कि सरकार कह रही है कि कई सारे हमारे जो आंकड़े हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, वापस देखेंगे, पुनः देखेंगे। और आपको कारण बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़ों को नहीं शामिल करते हैं। ये रिपोर्ट परसों भी आई है, आज भी आई है इत्यादि। यानी हमारे जो आंकड़े हैं, सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पूरी तरह से सही नहीं हो, पूरी तरह से व्यापक नहीं हो, सबको शामिल न करें, इसलिए हम उस पर पुनः विचार करेंगे। और पुनः विचार इसलिए करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के एंटिटीज को देखा जाता है। देखिए, अगर ये वास्तव में एक्सरसाइज ये है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, सकारात्मक एक्सरसाइज है अगर उस पर कोई गलतियाँ हैं। लेकिन मैं आज एक भविष्यवाणी दे रहा हूँ, आपको पूर्वानुमान दे रहा हूँ, आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि हमें भय है, देश को भय है, क्योंकि हम आपके पुराने हथकंडे जानते हैं कि ये तौर तरीका है, जितने पुराने बेसिस हैं, जितने पुराने आंकड़े हैं उनको पुनः वापस रिवाइज करना।